गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज डेट है 11 अगस्त 2021। टाइम सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं मॉर्निंग वॉक पे आ चुका हूँ। आज मेरा सेकंड डे है मॉर्निंग वॉक का। तो सीन क्या है कि मेरी नींद सुबह 4 से 5 बजे खुल जाती है। मैं रात में चाहे 1 बजे सोऊंगा, चाहे 2 बजे, चाहे शाम को 10 बजे सो जाऊँगा, तो मेरी सुबह नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। उसके बाद फिर बिस्तर में बैठ के फ़ोन ही चलाना होता है। तो इसलिए मैंने पिछले कल डिसाइड करा कि मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा एंड मैं डेली व्लॉग करूँगा। आज से 10 दिन तक मैंने खुद को चैलेंज दिया है। देखते हैं मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी देखते रहिए कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आगे 1 किलोमीटर आगे तक जाता हूँ, फिर बैक साइड ये देख सकते हो जहाँ से मैं आया हूँ, तो इस साइड में 1 किलोमीटर आगे तक जाता हूँ। 2-3 राउंड इसमें मारूँगा, 1-1.5 घंटे यहाँ पर रोड में घूमने के बाद फिर घर की ओर निकल जाऊँगा। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। टाइम 7:30 हो गया, 1.5 घंटा मुझे मॉर्निंग वॉक करते करते हो गया। 2-3 राउंड मैंने यहाँ पे रोड में मारे हैं। तो अभी मुझे घर जाना है, तो शायद मैं अभी रोडू जाऊँगा, कंफर्म नहीं है। आपके साथ शेयर करते रहेंगे जैसा भी होगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहले फटाफट से घर जाते हैं, फिर वहाँ पर कन्फर्म करते हैं कि रोडू जाना है या नहीं जाना है। थोड़ा काम था मुझे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो वो रिन्यू करवाने के लिए थे। तो चलो देखते हैं, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। 1 hour later. तो अभी टाइम 8:35 हो गया, हम रेडी होके पहुंच चुके हैं और हम निकल रहे हैं अब रोडू की ओर। तो ये अपने साथ अपना कंचे, ठीक है, हेलो हाय कर ले मेरे भाई, शर्मा रहा है। तो हम निकल रहे हैं रोडू की ओर। तो चलिए आपको ले चलते हैं, जो भी सीन्स होंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जा रहे हैं हाटकोटी। तो कांचे को छोड़ना है हाटकोटी से, निकलना है यहाँ से उत्तराखंड। तो आफ्टर देन फिर हम वापस रोडू की ओर आएंगे। तो पहले इसको छोड़ने हाटकोटी, आफ्टर देन फिर रोडू। तो चलिए आपको हाटकोटी दिखाते हैं अभी। अब ठीक है भाई कांचे, यहीं से चले जाइयो। कितने बजे जाए मिलेगी गाड़ी तेरे को? है अभी तुरंत मिल जाएगा। कितने बजे घर पहुंचेगा तू? घर तो शाम को ही पहुंचेगा, 4-5 बजे। इतना टाइम लगेगा यहाँ से जाने? जाना 42-45 किलोमीटर। नहीं यार, वहाँ से भी वो बस जाएगी या फिर गाड़ी मिल जाएगी? चल ठीक है, आराम से जाइयो फिर, ठीक है, हम भी जाते हैं। ओके, तो कांचे को हमने हाटकोटी में छोड़ा और इसके बाद हम वापस निकल रहे हैं रोडू की ओर। तो रोडू में काम है, अभी 9:30 बजे हमारा काम है ऑफिस में, हमें डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने हैं। तो ऑफिस खुलेंगे 10 बजे के बाद। तो अभी रोडू की ओर निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैकेट वैकेट उतारना पड़ेगा और टी शर्ट में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है।
15 मिनट्स लेटर। तो अभी हम पहुंचे हैं माता के मंदिर हाटकोटी। तो हाटकोटी पहुंच गए थे, हमने सोचा चलो माता के दर्शन भी कर लेंगे, उसके बाद फिर रोडू को निकलेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है हमारे पास आधा घंटा, तो उसके बाद ही ऑफिस वगैरह खुलेंगे। तो पहले माता रानी के दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं माता के दर्शन, उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं, आपको पूरा मंदिर यहाँ पर दिखाएंगे हम, जो हाटकोटी माता का मंदिर है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। तो जो सामने आप देख रहे हो ये है माँ हाटकोटी का मंदिर, और यहाँ पे जितनी भी कलाकृतियाँ और ये छोटे छोटे मंदिर आपको सामने दिख रहे होंगे, ये सब पांडवों के टाइम के बने हुए हैं। तो यहाँ पे पांडवों ने इनको बनाया था। यहाँ पे कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पे आए थे तो वो काफ़ी टाइम यहाँ पे रहे थे और उन्होंने इसका निर्माण किया है। काफ़ी औसम और अल्टीमेट कलाकृति है, आज की डेट में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और ऐसी हम बना भी नहीं सकते। ये पांडवों ने खुद अपने हाथों से बनाई थी जब वो यहाँ पे आए थे। तो ये सामने आप देख रहे हो जय माँ हाटकोटी, और ये सामने जो है ये है शिव मंदिर। चलो आपको शिव मंदिर के अंदर ले चलते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद फाइनली अब हम निकल चुके हैं रोडू की ओर, और टाइम भी 10 बज चुके हैं, 10 से भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है टाइम। तो अभी रोडू जाते हैं, फटाफट से अपने काम करते हैं, आफ्टर देन फिर आपको और एक्सप्लोर करवाएंगे रोडू मार्केट। तो अभी टाइम 2:20 हो चुके हैं। तो फाइनली सुबह के 10 बजे के हम रोडू पहुंचे, अभी जाके फ्री हुए हैं। तो काफ़ी चक्कर लग गया यार, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, स्वेटिंग हो रही है, जब भी बाहर निकल रहे हैं तो स्वेटिंग ही हो रही है। अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से हम बाहर निकले, हम मार्केट की ओर जा रहे हैं। लंच करा था हमने 10 मिनट में, फटाफट से लंच करा, उसके बाद यहाँ पे लंच टाइम हो रखा था, फिर ऑफिस में आए, यहाँ पे अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। आपको भी ले चलते हैं घुमाने मार्केट की ओर, आगे देखते हैं क्या क्या सीन बनते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करते रहेंगे, वीडियो के साथ बने रहिएगा क्या क्या होता है आगे। वाट लग गई भाई, गर्मी तो हर कुछ हो रखी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो ये शिकड़ू देवता मंदिर है, और यहाँ से आगे जो अपर बाज़ार स्टार्ट होता है तो यहीं पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, शिकड़ू मंदिर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है। अपर मार्केट के सीन आप देख सकते हो, ऐसी शॉप है यहाँ पे, पूरा जो आगे तक जितना भी बाजार है ऐसी शॉप है दोनों साइड इसमें। तो यहाँ पे धूप भी ज़्यादा नहीं है, अगर आप नीचे दूसरी मार्केट में घूमते हो तो वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है। अभी इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे सही है, हल्की सी छाया है और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है सीन। ये लोअर मार्केट रोडू, और यहाँ आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर दिन में ऐसी गेड़ियाँ मारोगे आप तो बहुत वाट लग जाती है, स्वेटिंग पूरी बॉडी, अगर 10 मिनट यहाँ पे आप गेड़ी मार रहे हो तो पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो जाएगी। तो अभी हम गाड़ी की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं घूमेंगे, तो हमने खाना वाना खा लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर। अब इसके बाद हम निकलेंगे शायद घर, या जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो भी सीन होने वाले हैं। तो ये ऐसे कुछ सीन है लोअर बाज़ार के। पूरी मार्केट तो हम नहीं घूमे क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अभी हमने सोचा कि अब गाड़ी में निकल जाते हैं। यहाँ पे इस टाइम बाज़ार में घूमना बहुत मूर्खता के काम है, क्योंकि अब यहाँ पे अभी धूप इतनी ज़्यादा हो रखी है कि 10 मिनट अगर घूमोगे आप तो चक्कर भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कुछ सीन है। ये वाला रोड हॉस्पिटल रोड है सामने से, और ये रोड आगे चिड़गांव वाला रोड है, और आगे से ये न्यू बस स्टैंड के लिए कट होता है। ये है रोडू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड है जो,
ये रोडू का नया बस स्टैंड है, तो अभी इसको बन के 6-8 साल हुए हैं। अभी यहाँ पे पहले बस स्टैंड ऊपर मेन मार्केट में हुआ करता था, वहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, जब बसेज वहाँ से लगती थी तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए इसको शिफ्ट करवा के यहाँ पे बस स्टैंड ये है रोडू का। तो ऐसे कुछ सीन है, यहाँ सामने हमारी गाड़ी लगी है, वहाँ पे उधर पार्किंग है तो वहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है। तो आपको सामने से एक व्यू बस स्टैंड का भी दिखाते हैं हम, तो एक मिनट। तो फ्रंट से ऐसे कुछ सीन है रोडू बस स्टैंड के, तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक का भी कोई सीन नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, ये ऊपर रोडू मार्केट है और यहाँ पे अभी धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, मुझे गाड़ी में बैठना है और उसके बाद निकलेंगे हम घर की ओर। तो ये देख सकते हो आप, सेब मंडी की वजह से रोडू में काफ़ी जाम लग जाता है आजकल, तो जैसे ही सेब सीज़न शुरू हो जाता है तो रोडू में अगर आपको सेब मंडी से मार्केट पहुँचना है तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो अभी तो थोड़ा सेब भी कम चल रहा है, जैसे जैसे सेब का फ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा सेब मार्केट में पहुंचने लगेगा, तो यहाँ से मार्केट पहुंचना 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से 1.5-2 घंटा लग जाता है कभी कभी, तो इतना सारा ट्रैफिक रहता है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर वापस, तो फ़िलहाल मेंथली रोड में हम मार्केट मंडी को क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो नई मंडी मेंथली में बनी है तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा आजकल ठीक है, मतलब कि उतना ज़्यादा जाम नहीं लगता है। तो पहले जब मंडी यहीं पर होती थी, सारे आड़ती यहीं होते थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जाम की दिक्कत रहती थी यहाँ पर। तो ये सामने जो मार्केट आपको दिख रही है, ये मेंथली मार्केट। तो मेंथली मार्केट में जो मेन सीन यहाँ के क्या है कि पहले यहाँ पे मार्केट नहीं होती थी, जब से यहाँ पे अदानी वालों का एप्पल स्टोर खुला है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट बन चुकी है। पहले 6 से 8 दुकानें यहाँ पे रहती थी, तो अभी अदानी स्टोर जब से यहाँ पे एप्पल स्टोर खुला है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी काफ़ी बड़ी मार्केट हो गई है यहाँ पे भी। तो ऐसे कुछ सीन है मेंथली के। यहाँ आगे वाली साइड में इस साइड को एप्पल मार्केट जो एप्पल स्टोर है जो अदानी का है, तो जो आप सामने देख रहे हो ये आगे वाला जो रोड जा रहा है ये शिमला वाला रोड है जो NH है। तो ये ऊपर अपना नावर वाला रोड आ रहा है, जैसे हम रोड में यहाँ से आगे ऊपर को निकलते तो इतना बड़ा सा गड्ढा है, तो पहला ही जोर लग जाता है कि समझो आप नावर की ओर निकल चुके हो। ऐसे कुछ सीन है यहाँ से, तो ये अपना नावर वाला एरिया है। 2 hours later तो टाइम 6:06 हो चुके हैं, तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो अभी क्या सीन है कि हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रोडू में गर्मी बहुत ज़्यादा थी दिन भर, तो वहाँ पे गर्मी में मार्केट में जब घूम रहे थे तो उस टाइम भी मेरे को हल्की हल्की सी हेडेक हो रही थी, तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो आज के कुछ ऐसे सीन थे जो आपको अभी तक हमने दिखाए। तो आज के व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं, तो आज से आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, जय शंकर, जय भोलेनाथ, जय महादेव। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय शंकर।